छत्तीसगढ़ अनादिकाल से अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध रहा है। इतिहास का दक्षिण कौशल प्रदेश, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मभूमि और संत कबीरदास जी की कर्मस्थली है हमारा छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के कण कण में आत्मीयता का बोध होता है। वन बाहुल्य समृद्ध आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से हम छत्तीसगढ़ियों की बहुप्रतीक्षित अभिलाषा पूर्ण हुई। राज्य निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने शैशव काल से ही अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की गौरवशाली यात्रा का 2 दशक पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। तब से लेकर अब तक की तमाम उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा देश की श्रेष्ठ विधानसभाओं में से एक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास ही गौरवशाली रहा है। ये हमारा ये माना जाता है कि कौशल प्रदेश, कौशल्या जी का क्षेत्र, रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ियों के भांजे, तो ये हमारा इतिहास और संस्कृति शुरू से छत्तीसगढ़ का वैभवशाली रहा है। और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि इस 5वें विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया, काम करने का अवसर दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने उच्च पद पर आकर यहाँ अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में कुछ कर पाऊँगा, मगर बड़ा आनंद आ रहा है। पहले दिन से ही मैंने कहा था कि ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, इस संस्कृति को, इस भावना को लेके मैं विधानसभा में काम करूँगा। वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महन जी पूर्व में मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार की उनकी सोच समझ छत्तीसगढ़ माटी के लिए तो ही है, पर जनता के लिए या एक एक व्यवस्थापिका की जो व्यवस्था है उनके बारे में जो एक सोच है, उनके बहुत ही सराहनीय सोच है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्यकरण से उसे संसदीय परिदृश्य में राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां सभी सदस्यों की सहमति से एक व्यवस्था बनी है कि किसी भी मुद्दे पर सदन की कार्यवाही में बहस के दौरान यदि विरोध प्रदर्शन करते हुए सदस्यगण सदन के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्वमेव निलंबन के इस नियम को प्रत्येक संसदीय मंच में सराहना मिली। पंचम विधानसभा का गठन दिसंबर 2018 में हुआ था और 4 जनवरी 2019 को अध्यक्ष रूप में डॉक्टर चरणदास जी महंत, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका निर्वाचन हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्वाचन के पश्चात से ही छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय क्षेत्र में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जहाँ विधानसभा के संचालन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न अवसरों पर माननीय मंत्रीगणों को निर्देश दिए हैं ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके। वहीं दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में एक जो विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के ऊपर छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक 2 दिवसीय विशेष सत्र हुआ था, जो पूरे देश में संभवतः सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ही हुआ। परंपराओं को पालन करने में छत्तीसगढ़ विधानसभा अद्भुत रहा है। यहाँ का जो हम लोगों ने तय किया कि गर्भगृह में कोई जाएगा नहीं, अध्यक्ष जी के आसंदी के आदेशों को पूरा मानना पड़ेगा, गर्भगृह में जाते ही अपने आप स्वमेव निलंबन की कानून, इसको देश ने स्वीकार किया हुआ है। हम लोग जब पार्लियामेंट में सचेतकों की बैठक हुआ करती थी तब हम लोग गए थे तो हर बार लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो ये उच्च मापदंड है वो सारे हिंदुस्तान में लागू किया जाना चाहिए। विविध अवसरों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की गरिमा को संवर्धित करने के लिए जिन अतिथियों का अब तक आगमन हुआ है उनमें सबसे प्रथम नाम तत्कालीन राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आता है।
जिन्होंने 28 जनवरी 2004 को पहली बार इस विधानसभा में माननीय सदस्यों को संबोधित किया था। वर्ष 2005 में 14 से 18 नवंबर की अवधि में भारत की विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी, उपाध्यक्ष श्री चरणजीत सिंह अटवाल और राज्यसभा के उपसभापति श्री के रहमान खान शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद की समस्या पर भी गंभीर मनन और विचार किया गया। इस विषय पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा के संभावित संकट को दृष्टिगत रखते हुए सभा में सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत सामान्य चर्चा से भिन्न गोपनीय चर्चा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति से दिनांक 26 जुलाई 2007 को संपन्न हुई। वर्ष 2010 में 25 से 29 अक्टूबर विधानसभा ने एशिया इंडिया क्षेत्र के चौथे राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें अनेक देशों के संसदीय प्रमुखों ने अपने विचार व्यक्त किए। इन सभी ने छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और सरलता के अनुभव को अपनी यात्रा का सबसे यादगार अनुभव बताया था। भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी 24 जून 2011 को इस विधानसभा में माननीय सदस्यों को संबोधित किया था। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विधानसभा भवन में नवनिर्मित सेंट्रल हॉल का भी उद्घाटन किया था। लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्षों में 31 जनवरी 2014 को माननीय श्रीमती मीरा कुमार और 15 जुलाई 2015 को माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों हेतु आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में सदस्यों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी बोली अर्थात छत्तीसगढ़ी को विशेष सम्मान देते हुए इसे राज्य भाषा बनाए जाने की घोषणा करते हुए दिनांक 27 नवंबर 2007 को विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाहियों को भी हिंदी से छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी से हिंदी में तत्क्षण अनुवाद का कार्य भी आरंभ किया गया, जो सतत आज तक जारी है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो जो मान्य परंपराओं हैं उनका पालन किया जाता है, और उसके साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार किसी के भी रही हो, स्पीकर कोई भी बने हो, लेकिन यहाँ मार्शल का उपयोग नहीं हुआ है। आज के समय में ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी बात है। मैं धन्यवाद दूंगा चरणदास महंत जी को, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संस्कार मिला हमारे उनके पिताजी महंत बिसाहू दास जी से, जो संसदीय ज्ञान के ज्ञाता थे, और उस परंपरा को आगे बढ़ाए। और चरणदास जी भी, वो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा मध्य प्रदेश का हो, मंत्री की हैसियत से हो, यहाँ उनकी तीन छत्तीसगढ़ के विधानसभा हो, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका, उस गरिमा को आगे बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत की पहल पर आयोजित इस विशेष सत्र में विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए और उनका पूर्ण स्मरण किया। विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत की इतिहास और संस्कृति जैसे विषयों पर गहन रुचि और अध्ययनशीलता के कारण इस सत्र के आयोजन की तैयारी भी बहुत खास ढंग से की गई थी। यही वजह रही कि दो दिन के इस सत्र में जो विचार व्यक्त किए गए, उसमें राजनीति और स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान के विषय में कुछ ऐसे तथ्य भी आम लोगों के सामने उजागर हुए जो पहले बहुत अधिक चर्चा में नहीं रहे। मीडिया ने भी इस सत्र के विशेष बिंदुओं को प्रमुखता के साथ दर्शकों और पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। इस बार सबसे अद्भुत काम यह हुआ है प्रदेश में, जो सभी किसी प्रदेश में नहीं हुआ, कि मैंने सोचा कि चूँकि 150वां वर्ष मना रहे हैं पर गांधी जी का, तो क्यों ना इसके लिए गांधी जी के अनुरूप ही कुछ दिखे। ये मेरे मन में आया, तो मैंने लोगों से बातचीत की, मुख्यमंत्री जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री जी ने सहमति प्रदान की, यहाँ आके बैठक हुई कि भाई बड़ा भव्य तरीके से मनाएंगे। और आपने देखा होगा कि मैंने सबको एक रंग के
कोसे से बना हुआ कपड़ा पहनने के लिए निवेदन किया, सब ने स्वीकार किया। दो दिन तक सिर्फ गांधी जी पर चर्चा हुई, लोगों ने गांधी जी को पढ़ा, गांधी जी को समझा। आज की तारीख में, आज की तिथि में गांधी जी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हो सकते हैं, इसको लोगों ने समझा और बड़े अच्छे मूड में, बड़े अच्छे समन्वय के साथ पूरी चर्चा चलती रही और एक बहुत अच्छा दो दिवसीय कार्यक्रम जो हुआ है निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और ये मैं मानता हूँ कि मेरे इस पांचवा विधानसभा जो चल रहा है उसका इतिहास तो बनेगा और पूरे इतिहास के रूप में ये आने वाले समय में जाना जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर चरणदास महंत ने एक प्रस्ताव दिया कि विधानसभा में गांधी जी की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में हम पहले राज्य हैं जो इस प्रकार के आयोजन किए हैं और बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से उसका आयोजन हुआ है। और उसी दिन हम लोगों ने एक जो चार पांच कार्यक्रम जो गरीब लोगों के लिए शुरू किए, जिसमें मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना है और साथ ही हाट बाज़ार शहरी स्लम क्लिनिक योजना है और पौनी पसारी योजना है और ग्राम स्वराज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो हमारे छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इससे जो गांधी जी के मूल जो भावना थी कि वो कहते थे कि भारत के आत्मा गांव में बसती है और गांव जब तक के आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक के ग्राम स्वराज जब तक के नहीं होगा तब तक के भारत संपन्न नहीं हो सकता। तो उसको साकार करने के लिए विधानसभा में भी चर्चा हुई है और सरकार भी, छत्तीसगढ़ सरकार भी उसके लिए कटिबद्ध है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को बनाने में विधानसभा के अब तक के अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रही। विधानसभा की अनेक गौरवशाली परंपराओं को जारी रखने और इसमें नया अध्याय जोड़ने का क्रम अनवरत बना हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत ने भी अब तक अपनी अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर दिनांक 2 से 3 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। इस अवसर को चिरस्मरणीय बनाने के उद्देश्य से सभा में माननीय सदस्यों के लिए एक गणवेश यानी ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया। इसके अंतर्गत समस्त पुरुष माननीय सदस्यों को कोसे का कुर्ता, पाजामा और कोसे के जैकेट सिलवाकर प्रदाय किए गए और इसी तरह समस्त माननीय महिला सदस्यों को भी कोसे की साड़ी, सलवार सूट प्रदाय किए गए। इस अवसर पर न केवल पंचम विधानसभा के माननीय सदस्यों अपितु छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त माननीय लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी ये गणवेश प्रदाय किए गए और समस्त माननीय सांसदों और माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र भी लिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अति महत्वपूर्ण और अक्षुण्ण पल थे जो सदैव यादगार रहेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के इस अवसर पर उनकी स्मृतियों पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी भी भव्य स्तर पर आयोजित की गई। साथ ही साथ गांधी जी पर व्याख्यानों के अलावा कस्तूरबा के गांधी नाटक का मंचन भी कराया गया, जो कि दिल्ली के प्रसिद्ध कलाकार श्री टीकम जोशी के द्वारा मंचित किया गया। 150वीं जयंती महात्मा गांधी जी के आयोजन को उन्होंने भव्य रूप दिया। पूरे देश में अगर कोई विधानसभा अग्रणी रूप से इन मामलों में आगे रही तो वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा है। उस दिन दिन भर अनेकों कार्यक्रम हुए। डॉक्टर चरणदास महंत जी जब अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते हैं तो वो कबीर जी के ग्रंथों का सहारा लेते हैं, कबीर की वाणी का सहारा लेते हैं और कबीर की वाणी से वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं और हम अगर कहीं भटक रहे हों तो सीधे रास्ते पर भी लाते हैं, या सत्ता पक्षी लोग अगर भटक रहे हैं तो उनको भी सीधे रास्ते पर लाने का काम डॉक्टर चरणदास महंत करते हैं। पूरे विधानसभा की एक लंबी प्रक्रिया होती है, हमारे सुरक्षा स्टाफ से लेकर के
जो सचिवालय के स्टाफ हैं उनसे लेकर के प्रमुख सचिव भी हम सबको उपलब्ध रहते हैं। कभी किसी मामले पर सलाह मशवरा करने के लिए उनके पास जाते हैं तो सही मार्गदर्शन भी देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा को 20 साल हो गया, पिछले कार्यकाल में भी इस कार्यकाल में भी बहुत ही अच्छा वहाँ का संचालन रहा और इस प्रदेश के मैं कहूँगा कि बहुत ही वरिष्ठ जो अनुभव रखते हों केंद्र में भी जिन्होंने राजनीति किए, आदरणीय श्री चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं तो सदन को बेहतर गति दे रहे हैं और दल से अलग हट करके एक समान नज़रिए से देख करके हम सभी लोगों को बराबर अवसर देते हैं क्षेत्र की समस्या रखने का, लोगों के हित में बात करने का और विधानसभा में वो पूरे अवसर हम सभी लोगों को देते हैं। माननीय अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत द्वारा नवंबर-दिसंबर 2019 सत्र के प्रथम दिवस की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ साथ राज्य गीत अरपा पैरी के धार से आरंभ करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रथम बार दिनांक 25 नवंबर 2019 को इसका आरंभ हुआ। इसी तरह एक अन्य विशिष्ट कार्य की श्रृंखला में भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर को सदन में विशेष चर्चा हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 28 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के अवसर पर सदन की संपूर्ण कार्यवाही को छत्तीसगढ़ी भाषा में संपन्न कराया गया। इसी तरह विधानसभा सचिवालय स्थित सेंटर हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी के तैल चित्रों को भी स्थापित किया गया। माननीय अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के निर्देश पर विधानसभा में विगत लगभग 1.5 वर्ष में ही लोकहित के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इनकी व्यवस्था और सदन संचालन के कौशल के मुरीद सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के सदस्य भी रहे। कई बार उन्होंने जनहित के विषय पर सत्ता पक्ष को भी जवाब देने के लिए बाध्य किया है और इस तरह छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉ. चरणदास महंत ने एक शानदार पहल की है। उन्हें अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्य सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करने के कारण विधानसभा की कार्यवाही का लंबा अनुभव रहा। इसके अलावा केंद्र में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए डॉ. महंत को लोकसभा के कामकाज का वृहद अनुभव मिला। इस तरह वे वरिष्ठ राजनेता और मंत्री की हैसियत से सत्ता पक्ष के कामकाज को बखूबी समझते रहे। यही वजह है कि इस बार जब उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष का दायित्व मिला तो उन्हें सदन के संचालन में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। कार्यभार संभालने के बाद विधानसभा के पहले अपने ही सत्र में उन्होंने विपक्षी सदस्यों का भ्रम और भय दूर करने के लिए जो आश्वासन देते हुए कबीर साहेब जी के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आसंदी की भूमिका के प्रति महंत जी के इस उद्धरण को संसदीय परंपरा का अनूठा उदाहरण कहा जा सकता है। माननीय डॉ. चरणदास महंत की संतुलित कार्यशैली से ये तथ्य भी स्थापित हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी ग्रहण करते ही वे खुद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की सीमा से परे करते हुए दलगत राजनीति के दायरे से ऊपर उठकर केवल प्रदेश की जनता के हित में कार्य करने के लिए संकल्पित हो चुके हैं। इस दायित्व को विगत 1.5 वर्ष में माननीय डॉ. चरणदास महंत जी ने निष्पक्षता के साथ निभाया है। उसकी विपक्ष ने खुले दिल से सराहना की है। डॉ. चरणदास महंत ने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में धान खरीदी से लेकर प्रदेश की नक्सल समस्या तक और खनिज की रॉयल्टी से लेकर किसान के विषयों तक सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान अवसर दिए हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में लोकहित के अनेक विषयों पर राज्य सरकार को पहल करनी है। ये माननीय डॉ. चरणदास महंत की
एक विशेष पहल रही है कि सदन में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी जैसे ठेठ ग्रामीण विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ सदस्यों की भावना का आदर करते हुए उनके आग्रह पर छत्तीसगढ़ी में भी बोलने की अनुमति दी और इस भाषा को सदन में गरिमा प्रदान की। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में हम लोग जो चुन के आते हैं प्रतिनिधि के रूप में, वो प्रतिनिधि यहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं, आपकी बात को रख पाते हैं कि नहीं, आप उसको देखो। मेरी तो इच्छा है कि विधानसभा जिस तरह लोकसभा का पूरा कार्य दिखाया जाता है टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, अगर इसको दिखाया जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाया जाए, अगर एक कर पाऊँगा तो बहुत अच्छा होगा कि हमारा पंचायत स्तर का भी प्रतिनिधि हमको देखेगा, मुख्यमंत्री जी को देखेगा, सीखेगा, जानेगा, समझेगा और तब ये लोकतंत्र की एक अच्छी मिसाल हम और दे पाएंगे। ये प्रदेश शुरू से जाना जाता है, कबीर साहब की धरती है, बाबा गुरु घासीदास जी की धरती है, इन लोगों ने शांति का संदेश दिया है, सद्भाव का संदेश दिया है, एकता का संदेश दिया है, तो हम एक दिखें, ये मेरी मंशा रहती है और सब लोगों ने इसमें अपना समन्वय दिखाने का प्रयास किया है, मैं संतुष्ट हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में डॉक्टर महंत के कार्यकाल के शुरुआती दौर में पहले वर्ष में नई पहल और नए प्रयोग किए हैं। उन्हें देखते हुए ये आशा की जा सकती है कि वे मूल छत्तीसगढ़िया की भावना के अनुरूप सदन में उन विषयों को आगे भी महत्व देते रहेंगे जिससे यहाँ के आदिवासी, ग्रामीण और किसान सीधे तौर पर जुड़े रहें। माननीय डॉक्टर चरणदास महंत की कार्यशैली से ये बात भी स्थापित होती है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को प्रदेश की ग्रामीण जनता की अभिव्यक्ति का सदन बनाना चाहते हैं और तभी ये सदन लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति का प्रतीक बन पाएगा।